अरे इन मक्खी जूस पुलिस वालों को किसने बता दिया कि यहाँ से ड्रग्स लेके जा रहा हूँ मैं। अरे मेरे को कहीं पर छुपना होगा जल्दी सी। ये अजीब पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए। अरे कहाँ छुपू? अरे अरे गोली तो मत चलाओ मेरे ऊपर। अरे कहाँ छुपू समझ नहीं आ रहा। अरे पुलिस वाले पीछे पड़ गए। अरे कहाँ जाऊँ ड्राइवर दादा, दिमाग लगा ड्राइवर दादा, कहाँ छुपना चाहिए, निकलना होगा जल्दी सी, चकमा देना होगा पुलिस वालों को, कहाँ से जाऊँ। अरे बच के भाई साहब, पुलिस वाले पड़े पीछे बहुत तेज, कोई जगह मिल जाए जहाँ छुप जाऊँ एक बार जल्दी सी, उसके बाद ये निकल जाएंगे। हाँ ये एकदम सही जगह, यहाँ अंदर जाके छुप जाता हूँ जल्दी सी, किसी ने देखा भी नहीं है। ओह वाओ नाइस, लगता है पुलिस वाला भी मेरे पीछे से हट चुका है। कोई भी गाड़ी मेरे पीछे नहीं, बस ये हेलीकॉप्टर वाला मेरे पीछे, यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देता हूँ थोड़ी देर। ओके जल्दी भगता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि हेलीकॉप्टर मेरे को ढूंढने वापस आ जाए। जल्दी यहाँ से मेरे को भगना होगा और कोई सेफ जगह पर जाके गाड़ी को लगाना होगा। कोई पुलिस वाला दिख नहीं रहा दूर दूर तक। जल्दी 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 जल्दी। अरे वैसे यार पुलिस के सायरन की आवाज तो कम हो गई है, लगता है पुलिस बहुत दूर चले गई। पर यार मेरे को रिस्क नहीं उठाना चाहिए, मेरे को ये गाड़ी किसी घर में खड़ी कर देनी चाहिए। अरे अरे ये वाला घर तो सुमित का है, चलो यार सुमित के घर में ही गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। अरे जल्दी गेट खोल रहे। अरे सर आप अंदर नहीं जा सकते। अरे तू जानता है कौन हूँ? अरे सर सॉरी सर, आप तो ट्रेवर सर है। जल्दी गेट खोल, मेरे को गाड़ी अंदर खड़ी करनी है। जल्दी गेट खोल दो, ये ट्रेवर सर है, सुमित के बहुत अच्छे दोस्त है। चलो 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 यार, चलो यार सुमित के घर में जाके पीछे गाड़ी जल्दी से पार्क कर देता हूँ, क्योंकि यार सुमित के घर पर पुलिस तो आएगी नहीं और मैं सेफली अपने ड्रग्स को सुबह ले जाऊंगा। कहाँ खड़ी करूँ सुमित को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ गाड़ी। हाँ ये एकदम सही जगह होगी, सेफ एंड बिल्कुल मस्त वाली। चलो यहाँ से निकलता हूँ पिछले गेट से। अरे कहाँ गया गेट? बोरा बोरा अभी चलता हूँ जल्दी सी। ड्राइवर दादा ने क्या दिमाग लगाया, गेट बंद कर देता हूँ, पुलिस वाले ढूंढ लेंगे वरना। चलो चलो भगते भगते। तुझे पता है सिंचैन, मुझे सबसे पहले सुबह उठ के देखने में क्या मजा आता है? सुमित मेरा पाद। अबे नहीं यार वो तो सूंघने में आता है, मतलब सुमित भाई तुम्हें मेरा पाद सूंघने में मजा आता है? अरे टॉपिक चेंज मत कर। तो गाइस मुझे मेरी लग्जरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा पसंद है, मेरी लग्जरी गाड़ियां, मेरे लग्जरी हेलीकॉप्टर्स, ये चीज देख के सुबह सुबह मेरे अंदर वो जज्बा आता है जिससे मैं और पैसे कमा सकूं। अबे एक सेकंड, अबे ओए लंगूर के अंगूर, कहां हो गया सर? अबे मैंने तेरे को 10 रुपए दिए थे और तूने अभी तक वो काम क्यों नहीं करके दिया 10 रुपए का? सिमटे क्यों मार रहे हो किसी को? अबे यार मैंने इसको 10 रुपए दिए थे काम करने को, अभी तक इसने काम नहीं करके दिया। सिमटे 10 रुपए के ऊपर इतना मारा तुमने उसे? पागल, रुपया रुपया होता है, चाहे 2 रुपए हो 10 रुपए हो, भाई एक एक पैसे से बहुत ज्यादा कमाई होती है, तुझे समझ में नहीं आता? सिमटे ये पुलिस के सायरन की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे हिसाब से बाहर से आ रही सिंचैन। सिमटे देखो ना क्या पड़ोस में क्या हो गया किसके, अभी जाता हूँ देखता हूँ आखिरी यार ये पड़ोसी करते क्या रहते पूरे दिन। ओके चलो यार जल्दी से चलते, अभी गेट क्यों खुला हुआ है मेरा? अरे एक सेकंड, अबे पड़ोसियों के नहीं अपने घर पर पुलिस आई है। उसमें अपने घर पर क्यों पुलिस आई है? अब मुझे क्या पता। अरे बॉडीगार्ड्स, अरे पुलिस इंस्पेक्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बॉडीगार्ड ये सब क्या है? पुलिस वाले अपने घर पर क्या कर रहे हैं बता मेरे को जल्दी सी। अरे सर ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनको अपने घर की तलाशी लेनी है। हैं तलाशी क्यों लेनी है? उसमें क्यों लेनी है तलाशी इन लोगों को? हाँ बताइए जी क्यों तलाशी लेने आपको मेरे घर की, क्या दिक्कत हो गई बताइए इंस्पेक्टर। हाँ बताइए इंस्पेक्टर जी, बताओ क्या दिक्कत है आपको? भैया अपन का नाम है ट्रलाटी, कल रात को एक ट्रक देखी गई है, उसके अंदर ड्रग्स थे, वो इसी एरिया में आई है, तो हम सारे घर छान रहे इस एरिया के, जिस घर के अंदर हमें वो वैन मिल जाएगी जिसके अंदर ड्रग्स है तो हम उसे ढूंढ के चले जाएंगे, इसलिए हमें आपकी तलाशी लेनी है आपके घर की, कृपया करके हमें तलाशी लेने दे वरना हमें जबरदस्ती करनी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मेरे घर पर ऐसी कोई चीज नहीं है इंस्पेक्टर, आप मेरे से पहले पूछ लेते यार, मेरे घर में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। हाँ सुमित भैया तो ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं। हाँ जैसे कि मेरा छोटा भाई बता रहा है हमारा कुछ है ही नहीं। तो ठीक है सर हम घर में जाके आपकी तलाशी ले लेते हैं। हाँ पर ये बंदा जाएगा सिर्फ, ये अकेला जाएगा अंदर। अरे मैं चली जाती हूँ ना। नहीं नहीं यही जाएगा टकला। अरे क्या कह रहे हो, मेरे को टकला क्यों बोल रहे हो? भाई साहब जाना है तो जाओ वरना मत जाओ, मैं सिर्फ एक बंदे को अंदर जाने की अनुमति दे सकता हूँ, वो है टकला। जाओ इंस्पेक्टर ढूंढिया तुम्हें कुछ मिलता है ठीक है, बॉडीगार्ड कुछ नहीं कहना। मैं जैसे कह रहा था देखो अभी तक कुछ भी नहीं मिला, मेरे घर में कुछ है ही नहीं ना ऐसा। अरे एक सेकंड रुको। अरे हाँ बोलो इंस्पेक्टर क्या हो गया? क्या है इंस्पेक्टर का क्यों कॉल आ रहा है? अभी आया हम अंदर, मिल गई वैन। क्या वैन मिल गई? कौन सी वैन? एक सेकंड अंदर जाता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ यार इंस्पेक्टर कोई वैन नहीं है, जो वो टकला इंस्पेक्टर है उसको कुछ ऐसे ही मिल गया होगा यार। वो क्या है भाई साहब? अरे एक सेकंड, अरे ये कौन सी वैन है और ये मेरे घर के पीछे क्या कर रही है? ओ नो 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 गाइस, यहाँ पर तो सच में एक वैन है। ओ गाइस इसके अंदर इतना सारा ड्रग्स क्या कर रहे है? इंस्पेक्टर जी ये मेरा ड्रग्स नहीं है, ये मेरा ड्रग्स नहीं है, मेरे घर में ऐसे कोई चीज ही नहीं थी।
अरे इंस्पेक्टर मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा ड्रग्स नहीं है, आप मेरी बात मानिए। अबे बब्बुआ कैसी बात कर रहे हो, चोर कभी कहता उसने चोरी की है? अरे नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सही में मेरा ट्रक नहीं है, मुझे खुद नहीं पता ये ट्रक मेरे घर में कैसे आ गया। अरे हाँ तू प्रखर पागल समझ रहा हमको है, पुलिस वाले 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मुझे पता है तेरे जैसे क्रिमिनल छूटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अरे मैं सच बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है। अपने हाथ ऊपर कर, नीचे बैठ जा घुटनों की तरफ, मैंने गोली मार दूंगा, हिलने की कोशिश भी मत कर लियो। अरे नो 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 इंस्पेक्टर आप गलत समझ रहे हैं, मेरे को तेरी एक बात नहीं सुननी, चल जेल में सलाखों के पीछे, इंस्पेक्टर उठाओ इसको। मेरे सुमित भैया को प्लीज कहीं पर मत लेके जाओ, मेरे सुमित भैया ने कुछ भी नहीं किया है, ये हमारी गाड़ी नहीं है, किसी और की गाड़ी है। बच्चे तेरे को भी साथ में चलना है क्या? अरे नहीं नहीं इसका कोई हाथ नहीं है, ये सब मेरे ड्रग्स है। उसी ने झूठ मत बोलो। सिंचन मेरी बात सुन यार, तेरे को मेरे को छुड़ाना होगा कैसे भी करके, शायद किसी ने कोई चाल खेली है मेरे को फंसाने के लिए, उसी ने तुम टेंशन मत लो। अबे पागल हो रहे हो, तुम्हें कहीं से नहीं छुड़ा सकता बच्चा, तुम्हें छुड़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। उसी टेंशन मतलब मैं 100 करोड़ का जुगाड़ करूंगा। सुमित भैया के जा रहे हैं, सुमित भैया चले गए पुलिस वाले मेरे सुमित भैया को लेकर। ये क्या हो गया गाइस यार, इतनी मस्त सुबह निकली थी और ये पुलिस वाले मेरे सुमित भैया को ले गए, वो भी एकदम गलत इंजाम में। अरे ये बताओ तुम लोग कहाँ भांग पी के सो रहे थे जब वो वैन अंदर गई थी? अरे सर हम तो बिल्कुल जग रहे थे तैनात, असल में रात को ट्रेवर आया था और ट्रेवर ने ये गाड़ी अंदर खड़ी की है। तुम लोगों ने ट्रेवर को अंदर क्यों जाने दिया? ट्रेवर अपना अच्छा दोस्त है इसलिए। गाइस यार ट्रेवर ने सुमित भैया को फंसा दिया, मैंने कहा ना कोई दोस्त किसी का दोस्त नहीं होता, ड्राइवर अंकल ने सुमित को फंसा दिया। देख रहे हो गाइस कितने बेकार है ड्राइवर अंकल, चलो छोड़ो तुम लोग आज से नौकरी पे नहीं रहोगे। गाइस यार मेरे को कैसे करके 100 करोड़ रुपयों का जुगाड़ करना होगा, पर मेरे पास तो अभी रुपए नहीं है और सुमित भैया के पास जितने रुपए थे वो सारे के सारे जब्त कर लिए। गाइस यार मेरे पास तो सिर्फ $5 लाख है, 100 करोड़ रुपए चाहिए, कहाँ से लेके आऊँ 100 करोड़ रुपए? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है 100 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आए गाइस जिससे हम सुमित भैया को छुड़ा सके। गाइस एक प्लान मेरे पास, मैं काम करता हूँ ये वाली जमीन बेच देता हूँ। गाइस एक काम करते हैं हम ये वाली जमीन बेच देते हैं जिस पे अपना घर बना हुआ है, अपना घर समेत पूरी जमीन बेच देते, उससे पैसे मिल जाएंगे। तो लो दोस्तों हमने 2 डीलरों को भी बुला लिया है, ये लोग मेरा घर खरीदने आए हैं, बताओ कितने पैसे दोगे? छोरा हम तो बता तेरे को उतने ही पैसे देंगे जितने तू मांगेगा, बता तेरे को कितने पैसे चाहिए? मुझे इस घर के 100 करोड़ रुपए चाहिए, कम से कम 100 करोड़ रुपए। वो लड़के 100 करोड़ रुपए? हाँ 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए में तुम डील कर लेंगे, ठीक है 100 करोड़ रुपए में डील डन। हाँ दे दो जल्दी से कैश लेके आए ना, जल्दी मेरे को दे दो जितना पैसा है तुम्हारे पास। ओ छोरा ये रहे तेरे 100 करोड़ रुपए। गाइस यार देख रहे हो हमें 100 करोड़ रुपए मिल गए, देखा ना हम सुमित भैया को 2 मिनट में छुड़ा लाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो गाइस चलते हैं जल्दी से और सुमित भैया को छुड़ाने चलते हैं। ओ लड़के चल चला जा यहाँ से, आज से ये हमारा घर हो गया है। ठीक है चलो मिलते हैं, आपके साथ डील करके बहुत अच्छा लगा। तो चलो गाइस यार मेरे हाथ में अभी 100 करोड़ रुपए है, अब जल्दी से चलता हूँ सुमित भैया को छुड़ाने के लिए जेल में से। गाइस यार ये तो बहुत आसान था और सुमित भैया के पास तो इतने सारे बिजनेस आइडिया कि वो फिर से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेंगे। चलो गाइस जल्दी से चलता हूँ, आ रहा हूँ सुमित भैया, आपका सिंचन भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चलो गाइस सुमित भैया को छुड़ाने चलते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो सुमित ओपी। अरे चलो चलता हूँ जल्दी सी, मेरे को मेरे ड्रग्स लेके जाने, डिलीवर भी तो करने हैं। चलो 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 सुमित के घर पर चलता हूँ जल्दी से, रात को मैंने यहीं पर लगाई थी, मेरे को जितना याद है ढंग से याद है यहीं पर लगाया था मैंने। हाँ चलो चलते हैं, लेट्स गो। ओ भाई रोक रोक। ओ भाई रोक ले। अरे तुम लोग कौन हो और मुझे किस लिए रोक रहे हो? ओए आज से हमारा घर है हमारा। अरे तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? तुम लोग भिखारी बिकरंगे मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, मेरे सुमित भाई का घर है, बताओ तुम लोग कौन हो यहाँ पर? तुम्हारी ऐसी तैसी, भागो यहाँ से, चलो हट भिखारी कहीं के। ओए हमने ये घर खरीद लिया 100 करोड़ रुपए में, भिखारी किसको बोल रहा है? क्या तुमने घर खरीद लिया? कब खरीद लिया तुमने ये घर? ओए अभी सिंचन से खरीदा है 100 करोड़ रुपए में, पागल समझ रहे हमको? क्या 100 करोड़ रुपए में ये घर खरीद लिया तुम लोगों ने? मतलब क्या कहना चाहते हो कि सुमित ने ये घर ही बेच दिया? एक सेकंड मैं भी आया। ओए कहाँ जा रहा है? हमारा घर है ये। क्या बोला? ये ले और तेरे को बता तुम बूढ़े, ये ले दोनों को लुटका दिया। तुम्हारी ऐसे सी मेरे घर में जाने से मुझे रोकोगे? मुझे तो सिर्फ एक छोटा सा काम है, मेरे को मेरे ड्रग्स के ट्रक देखने हैं कि वो अंदर ही है या फिर कहाँ चला गया, सुमित ने सेफली लुका के रख रखे होंगे। अरे ये क्या, मेरा ट्रक कहाँ गया? ये धोखेबाज सुमित, मेरे को पता है इसको ड्रग्स दिख गए होंगे और इसने सारे सारे ड्रग्स बेच दिए होंगे और अपना घर बेच के डर की मारी कहीं छुप गया होगा पैसे लेके। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आ रहा हूँ सुमित, तूने मेरे ड्रग्स लिए हैं ट्रेवर दादा के, मेरा पैसा तेरे को कभी नहीं पचेगा सुमित, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आया अभी। गाइस यार मैं तो भूल ही गया आखिर यार पुलिस स्टेशन है कहाँ पर, मैं तो बहुत देर से चल रहा हूँ। चलो गाइस यार वहाँ पर कुछ लोग, उन लोगों से पूछता हूँ आखिर पुलिस स्टेशन है कहाँ पर सुमित भैया को जल्दी से छुड़ाने जाकर। जल्दी चलो गाइस, सुमित भैया को हमें 2 मिनट भी नहीं रखना जेल के अंदर। तो चलो गाइस अगर आप लोग भी चाहते हो सुमित भैया को जल्दी से छुड़ा ले जेल के अंदर से, जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो सुमित ओपी। लेट्स गो गाइस, वहाँ पर 4 लोग हैं, इन लोगों से पूछता हूँ जाके जल्दी से। हेलो भैया, हेलो भैया
है, मेरी प्लीज हेल्प कर दो। क्या मांगती ब्रो, बताते अपन को क्या हेल्प मांगती बच्चे तेरे को। अंकल मेरे को ये बता दो आखिर पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। ओ बच्चे क्या करती तू, पुलिस स्टेशन क्यों जानी होती तेरे को। मेरे सुमित भैया को पुलिस उठा के ले गई एक फ्रॉड क्रिमिनल केस में, मेरे पास ये 100 करोड़ रुपए है, मेरे को ये जाके अपने सुमित भैया को छुड़वाना है। ओए टकले वीडियो इधर आ। हाँ बॉस। ओए वीडियो पागल है क्या तू थोड़ा। बॉस क्या हो गया। अरे वीडू, अरे वो छोटे से बच्चे के पास 100 करोड़ रुपए है यार, धन राशि खुद अपने पास चल के आई है, अब अपा को छोटी मोटी चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बच्चे को लूट लेते हैं। ठीक है बॉस। ओए बच्चे मैं तेरे को बताता हूँ आखिर कहाँ पर पुलिस स्टेशन। बॉस ने जैसा कहा है वैसा ही करेगा अपुन, अभी बताता इस बच्चे को, ये ले। ये क्या कर रहे हो अंकल, अंकल क्यों मार रहे मेरे को अंकल। वाह बॉस आपका तो प्लान एकदम मस्त था, इस बच्चे को तो हमने एक बार में मार डाला और इस समय 100 करोड़ रुपए मिल गए। अरे अपुन तो ऐसे ही प्लान बनाएगा। बॉस मैंने बैग उठा लिया पैसों का, चलो वीडियो पार्टी करेंगे घर जाके मस्त, चलो घर पर जाके चिकन बनाएंगे चिकन। चलो बॉस घर जाके चिकन बनाएंगे चिकन, 100 करोड़ रुपए मिल गए। तो गाइस एक तरफ सिंचन बेहोश हो गया और 100 करोड़ रुपए लेके वो गुंडे फरार हो गए, और दूसरी तरफ अपने ट्रेवर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि सुमित ने उसके साथ धोखा किया और उसके सारे पैसे लेके वो भाग चुका, और तीसरी तरफ सुमित जा चुका है जेल में। अगर गाइस आपको इससे आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना पार्ट टू, और वीडियो को लाइक याद से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर देना। हम मिलेंगे इसे कोई नए गेम प्ले में, जब तक के लिए सायोनारा, पता नहीं अब क्या होगा।